अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ तेलंगाना में आपका खैर मुकदम है। बहुजन समाज पार्टी की जानिब से चित्रा जो हवाईली लड़की का 6 साल लड़की का रेप हुआ और उसकी जो है ना जान ली गई, इसके खिलाफ हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ हम एक खामोश रैली के जरिए, कैंडल मार्च के जरिए हम अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं। इस रियासत में अभी हालिया में दिशा एक रड्डी लड़की का जब बलात्कार हुआ तो उसके अवस हमारे यहाँ के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उनका जो है ना इनकाउंटर करके उनको सजा दी और आवाम ने उसको इस्तकबाल किया और आज तक इस हमारी लड़की के रेप होने के बावजूद भी अभी तक उसके उसके जो है ना उसके लिए अरेस्ट हुआ ना आज तक पुलिस अपनी हरकत बताई। ये इस तरह का जो है ना दोहरा सलूक, किसी भी कम्युनिटी के साथ में दोहरा सलूक करना ये बिल्कुल नाइंसाफी है। वो रेपिस्ट चाहे कोई भी हो या जिसके साथ भी ये कारनामा हुआ, उसकी जात, उसके मजहब, उसकी नस्ल जाने बगैर सबके लिए एक ही इंसाफ की जरूरत है। आज इस वक्त इस्लामी इंसाफ की जरूरत है कि उसको बीच में, सबसे बीच में, आवाम के बीच में उसको खड़ा करके, उसको गर्दन के बराबर जमीन में दफन करके, उसको पत्थरों से मारने का जो कानून है, अगर हम करेंगे तो आने वाले तमाम लोगों को एक मिसाल जाएगा, एहसास होगा तो फिर इस तरह का कोई हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेगा। हम जो कानून बना रहे हैं जिसमें लोग जो है ना कानून को तोड़ मोड़ करके इस कानून से बचने के बाद सालों साल इसमें से गुजर जा रहे हैं और फिर इससे बरी हो जा रहे हैं, जिस तरह मुजरिमों को इससे हिम्मत मिल रही है, ऐसा फास्ट ट्रैक कानून लाना चाहिए कि कानून में जो है ना फौरी तौर पर इनके अमल होना चाहिए और दूसरे लोगों को यह मैसेज देना चाहिए कि इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारा भी अंजाम इस तरह का होगा। आज बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जातों का एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के साथ एक मुत्तहिद होकर ताकत के साथ इस तेलंगाना को हकीके माने में सुनहरा बनाने के लिए, केसीआर हुकूमत की नाकामियों को की हिफाजत के लिए, आवाम की खुशहाली के लिए, आवाम को बेहतर से बेहतर जिंदगी देने के लिए डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार जैसा एक मॉडल हमारे दरमियान में है, जो अपने 9 साल सर्विस में माइनॉरिटीज को, एससीज को, एसटीज को, बीसीज को एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म किए और इस तरह तमाम रियासत के लोगों को एजुकेटेड बनाने के लिए, हेल्थ वाइज उनको अच्छी प्रोवाइड करने के लिए और उनको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी का हम जो है ना साथ दें और इस रियासत को बहुजन राज बनाए। खुदा हाफिज़।